आज इतनी ज़्यादा धूप है, मुझे कुछ रिकॉर्ड करने भी नहीं आ रहा है ठीक से। आप देख रहे हो पूरा लाइक ऐसा घूमना पड़ता है। मुझे इधर जाना है सीधा और मैं ऐसे करता हूँ तो लाइक पूरी धूप आ रही है। मैं उल्टा चलूँ क्या? उल्टा चल रहा हूँ तो आंखें बंद हो रही है, पता नहीं क्या करूँ। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो गाइस। आज फ़िलहाल है फ्राइडे और मैं आज जो भी खाऊंगा वो सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अगर आप यूएस या कनाडा जैसी कोई कंट्री में आ रहे हो तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक क्या क्या खाना होता है उसका एक आपको आइडिया मिलेगा। तो आज मैं जो भी खाऊंगा वो सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। अभी आप आगे का व्लॉग एंजॉय करो। आज बहुत ज़्यादा धूप है। रोज़ मैं रूम से निकलता था तो 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसा टेम्परेचर था। आज मैं निकला हुआ आज 19 डिग्री और इतनी ज़्यादा धूप है। आज मैंने हुडी पहनी है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी फ़िलहाल। तो गाइस अभी हमारे पास है हैश ब्राउन्स, वॉफल, सीरियल्स जो मैं दूध के साथ बाद में खाऊंगा और थोड़ा सा एप्पल जूस। गाइस अभी फ़िलहाल मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया तो मैं अभी सीरियल्स तो रूम पे जाके खाऊंगा। तो बाकी मैं जा रहा था, निकल रहा था तो आंटी जी ने बोला कि थोड़ा सा वेजिटेरियन आइटम है वो टेस्ट करके जाओ। तो बेसिकली एक्चुअली मैं पहले गया था उनके पास। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी बीफ वाली आइटम्स होती है, नॉन वेजिटेरियन आइटम लाइक पोर्क वगैरह होता है उनके अंदर। तो मैं पूछने गया था कि वेजिटेरियन है या उसके अंदर क्या आइटम है। तो उन्होंने बोला कि लाइक वो बीफ करी थी। तो मैंने तो बोला कि मैं खाता नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला वैसे भी 1 घंटा था उसमें तैयार होने में। तो मैं निकल ही रहा था तो आंटी जी ने बोला ये वेजिटेरियन आइटम है, ये ट्राई करके जाओ। तो ये है पोटैटोज़ और ये है टोफू। टोफू बेसिकली पनीर के जैसे ही होता है। आई एम नूब। टोफू बेसिकली पनीर के जैसे ही होता है बट लाइक सोय मिल्क का बनता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे तो टोफू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं बट मैंने बस टेस्ट करने के लिए ले लिया। तो अभी ये इतना खाऊंगा, रूम पे जाऊंगा। सो गाइस खाना वगैरह तो हो गया, एकदम पेट वगैरह सब भर गया। बट आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपको यूएस आने के बाद एक कल्चरल शॉक लगेगा कि आपने जितना लाइक इंडिया में आपकी ज़िंदगी में प्लास्टिक और थर्मोकोल यूज़ नहीं किया होगा ना, आप वो उतना लाइक 1 साल या मैक्स 2 साल के अंदर यूएस आके यूज़ कर लोगे। इतना ज़्यादा थर्मोकोल यूज़ एंड थ्रू वाली आइटम्स यूज़ होती है। लाइक मुझे तो लाइक यू नो अभी भी लाइक समझता नहीं, बिकॉज लाइक साइंस और लाइक यू नो स्कूल में सिखाते हैं कि लाइक कम प्लास्टिक यूज़ करो, एनवायरनमेंट सेफ लाइक यू नो रखना है, वो सब सिखाते हैं। तो वो बेसिकली मुझे कभी कभी लगता है कि वो इंडिया के लिए नहीं था, वो यहाँ की बातें हम लोगों के ऊपर चिपका रहे थे। बिकॉज लाइक इतना ज़्यादा यूज़ एंड थ्रो एंड प्लास्टिक वाली आइटम्स होती है कि लाइक आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन हर एक चीज़। और कोविड के वजह से तो लाइक यू नो लाइक धोना वगैरह नहीं है कोई भी आइटम, तो वो तो और बढ़ गया है। सो गाइस मैंने आपको अभी जैसे बताया कि लाइक प्लास्टिक थर्मोकॉल यूज़ एंड थ्रो वाली आइटम बहुत ज़्यादा इधर यूज़ होती है। कोविड की वजह से तो ये डबल ट्रिपल हो गई होगी। बट और एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी इधर आने के बाद थी कि जो खाना वगैरह इधर वेस्ट होता है वो कंपेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अगर लाइक यू नो एक्स्ट्रा बच गया कोई भी लाइक यू नो शॉप वगैरह में, डाइनिंग हॉल में थोड़ा सा भी कुछ माइनर ये हो गया लाइक यू नो, तो भी लाइक वो फेंक देते हैं लिटरली पूरा का पूरा खाना। और तो ये वाली एक बहुत लाइक यू नो ये चीज़ लाइक आपको शॉकिंग लगती है यूएस आने के बाद। ऑल्सो लाइक बहुत से बार लाइक स्टूडेंट्स अनवांटेडली बहुत ज़्यादा ले लेंगे और लाइक यू नो बस डाइनिंग हॉल में लाइक डस्टबिन वगैरह में डाल देंगे। तो ये वाली एक चीज़ है जो बहुत ख़राब है यूएस के बारे में, जो मुझे पसंद नहीं आई थी। सो गाइस कट सीन टू डायरेक्टली रात। अभी बज गए शाम के 7 और अभी मैं फ़िलहाल मेरा डिनर कर रहा हूँ। डिनर में अभी फ़िलहाल है चिकन सैंडविचेस, बेसिकली क्रिस्पी चिकन, और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली और साथ में मेयो वगैरह डाल के खाऊँगा। तो अभी आप लोग बोल रहे रहोगे कि लाइक डायरेक्टली मैं रात का कैसे बता रहा हूँ, नाश्ता और डायरेक्टली रात का। सो बेसिकली क्या हुआ, दोपहर को मैं लाइक थोड़ा सा बिजी हो गया काम वगैरह में, असाइनमेंट्स वगैरह थी तो लाइक रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आज रात को ड्यू है, होमवर्क्स वगैरह। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज अभी डिनर कर लेते और मैं कल वापस से सैटरडे को पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगा और कल आपको मैं बताऊँगा कि मैं कल क्या क्या खा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग सोच रहे रहोगे कि लाइक यू नो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं यूएस में। तो बेसिकली अगर आपने डाइनिंग प्लान लिया है, लाइक अगर आपने एक मील प्लान लिया है यूनिवर्सिटी में, तो वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं बट बहुत कम होते हैं। मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ लाइक क्योंकि जो भी ऑप्शंस होते हैं वो लाइक आप लाइक समझ लो कि आपका पेट नहीं भरता, लाइक हैवी लाइक यू नो आप हैवी खाना नहीं खा सकते हो वेजिटेरियन ऑप्शंस में जैसा आप इंडिया में खाते हो, क्योंकि मोस्टली लाइक वो सैलेड होंगे, रैप्स होंगे, सैंडविचेस होंगे और लाइक आप, और वो क्या होता है रिपीट होते जाता है और आप बोर हो जाते हो और एक टाइम के बाद लाइक नो। और बाकी जो वेजिटेरियन आइटम्स होती है वो होती है चीज़, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, जो एकदम लाइक नो फास्ट फूड होता है। तो बेसिकली नॉनवेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड होता है, बट लाइक अगेन इट्स हाई प्रोटीन और लाइक नो थोड़ा बहुत एटलीस्ट हेल्दी होता है कंपेयर टू चीज़, पिज़्ज़ा एंड ऑल। तो मैं तो लाइक वेज एंड नॉन वेज में बैलेंस करता हूँ, बट लाइक मोस्टली आई प्रेफर चिकन एंड टर्की। तो वो तो लाइक यू नो एकदम आप अच्छे से खा लेते हो एक बार तो आपका पूरा पेट भर जाता है, आप लाइक यू नो आधा पूरा दिन आपका आराम से निकल जाता है। प्लस जूसेस वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सीरियल, दूध हमेशा होता है। फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स लाइक बहुत सारे होते हैं यहाँ पे अलग अलग रोज़, तो आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। अगर आप लाइक US आ रहे हो और आप अगर वेजिटेरियन हो तो मैं तो लाइक बोलूँगा नहीं आपको कि लेकिन आप एक मील प्लान लो, बिकॉज उसमें आपके बहुत कम आइटम्स होती है लेकिन ट्राई करने के लिए, खाने के लिए रोज़। उससे अच्छा कि आप लाइक यू नो ऑफ कैंपस रहकर ग्रॉसरीज़ वगैरह वॉलमार्ट से लाकर आप खुद का खाना बना सकते हो, रेडी टू ईट रख सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो। बट लाइक अगर आप वेजिटेरियन हो, आप एग नहीं खाते हो, चिकन नहीं खाते हो, लाइक कुछ भी नहीं, 100% प्योर वेज हो, तो मील प्लान इज़ लाइक मोर ऑफ अ वेस्ट, बिकॉज लाइक उसमें इंडियन लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बिकॉज लाइक आप सैलेड और सैंडविचेस खाओगे भी, बट लाइक आपको हर एक चीज़ का टेस्ट भी तो पसंद आना चाहिए, और आप लाइक रोज़ रोज़ खाओगे बोर हो जाओगे। तो या बिकॉज लाइक मोस्टली यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स लाइक अगर आप लाइक यू नो बीफ और पोर्क नहीं खाते हो तो भी उसके अलावा चिकन, टर्की, फिश, ऐसी एग हो गया, बहुत सारी आइटम्स होती है। तो लाइक यू नो बहुत अच्छी वैरायटी होती है। कभी कभी इंडियन फूड भी बनता है लाइक 2-3 हफ्तों में एक बार। ओके ब्रो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माई व्लॉग। अरे यार नहीं, हाउ डज इट फील टू बी वेजिटेरियन ऑन कैंपस? इट्स नॉट बैड. Why? You can always find something. I just said to my vlog like कि like you know अगर आप वेजिटेरियन हो कैंपस पे तो फिर like meal plan में इतनी ज़्यादा variety नहीं होती. Don't you get bored like eating the same thing? Reality hits you hard, bro. So guys, बहुत सारे dessert और cookies के भी option, जैसे कि अलग अलग type के cakes and desserts यहाँ पर है, fruits है, तो लाइक आप लोग ये ले सकते हो। बट बहुत से बार केक्स में भी लाइक यू नो एग होता है। सो अगेन अगर आप प्योर वेज हो तो लाइक अगर एग वगैरह होगा केक में तो आप वो खा नहीं सकते हो, तो और एक लाइक यू नो। सो गाइस, अभी फ़िलहाल है सैटरडे की सुबह, अभी बज गए 10 और आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, क्योंकि मैं बस उठ के आया हूँ और नाश्ता करने जा रहा हूँ। अभी का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस और अकॉर्डिंग टू गूगल फील्स लाइक 2 डिग्रीज़ है। ठंडी है, लाइक ऐसे ठंडी नहीं लगती, बट जब हवा चलती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, फेस हो गया, हाथ हो गए। तो या और कल टेम्परेचर था 19 डिग्रीज़, तो एकदम से लाइक यू नो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। रात को बारिश वगैरह भी हो रही थी, और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया तो वही बारिश बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो या सो गाइस, अभी फ़िलहाल नाश्ते में है हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्रेंच टोस्ट, थोड़े से फ्रूट्स, पावरएड। और मैंने सोचा कि इंस्टेड आज का मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करूं कि मैं क्या क्या खा रहा हूं, उसकी जगह मैं बस लाइक यू नो एक अच्छी सी लिस्ट बनाऊं और लाइक यू नो वीडियो के एंड में डाल दूं। पूरा दिन लाइक यू नो जो मेरा टाइम है वीडियो रिकॉर्ड करने में, अच्छा है कि वीडियो एडिट करता हूं, अच्छे से लिस्ट वगैरह बनाता हूं, उसमें लाइक यू नो ज़्यादा टाइम डालूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Baby, please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby, now, let me warm you up. Oh, baby, please, let me love you.